सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। मैं निरंजन कुमार, फिटर इंस्ट्रक्टर, गारमेंट LDN ITI बरारी भागलपुर से बिलोंग करता हूँ। तो चलिए आज मैं कुछ स्क्रू थ्रेड संबंधी का पारिभाषिक शब्द के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे बड़े ये देख रहे हैं एक फिगर, जो ये स्क्रू का है, एक स्क्रू का है जिसमें स्क्रू के में कितने पार्ट्स होते हैं ये आप देख रहे हैं कि मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, ये जो स्क्रू के दोनों के बीच का भाग होता है, दो साइड का भाग होता है, ये मेजर डायमीटर कहलाता है। माइनर उससे देख रहे हैं आप, इसका दिया हुआ है कि ये माइनर डायमीटर है। और ये जो है एक नट में ये घुस रहा है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका क्लियरेंस कितना है। ये क्लियरेंस है, थ्रेड का एंगल इस तरह का है, ये बनता है थ्रेड की गहराई है, ये आपका रूट हुआ, और ये थ्रेड स्क्रू की धुरी है, आपका पिच का डायमीटर है, पिच लाइन कहलाता है, ये वाला जो है भाग पिच का लाइन कहलाता है, और ये एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी जो है ये पिच कहलाती है। रूट ये थ्रेड के ऊपरी भाग वाला जो है ये क्रेस्ट कहलाता है, और थ्रेड से जो गहराई के बीच में जाते हैं रूट के रूट तक जाते हैं, तो क्रेस्ट और रूट के बीच में ये भाग जो होता है ये साइड होता है। प्रसार उधर रखिए, प्रसार पीछे ही रखिए, बोर्ड का पूरा आना चाहिए। ये साइड होता है, ये बीच कहलाता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं एक एक करके, हम देखते हैं कि मेजर डायमीटर क्या होता है। यह स्क्रू थ्रेड के सबसे बड़े डायमीटर को मेजर डायमीटर कहते हैं। स्क्रू थ्रेड का जो ये भाग है सबसे बड़ा भाग, यानी कहने का मतलब स्क्रू बोल्ट का यह जो है आउटसाइड वाला भाग को क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, मेजर डायमीटर कहते हैं। नेक्स्ट आइए आपका माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर क्या है, यह स्क्रू और नट के थ्रेड का सबसे छोटा डायमीटर होता है। स्क्रू और नट के थ्रेड का सबसे छोटा डायमीटर होता है यह माइनर डायमीटर। स्क्रू थ्रेड में कोर या रूट डायमीटर तथा नट के थ्रेड में इनसाइड डायमीटर भी, यह इनसाइड डायमीटर भी कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिच डायमीटर, ये पिच डायमीटर है, पिच डायमीटर सीधे स्क्रू थ्रेड पर उस काल्पनिक सिलेंडर के डायमीटर को जो है पिच डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिलेंडर के डायमीटर को पिच डायमीटर कहते हैं। अब पिच लाइन क्या था, पिच डायमीटर ये आपका हुआ, ये जो भाग हुआ ये दोनों का, यानी ये साइड साइड से जो लेकर के चलते हैं ये भाग वाला जो है दोनों का, ये भाग पिच डायमीटर कहलाता है। अब आइए दूसरा नेक्स्ट, पिच लाइन क्या होता है। पिच लाइन एक काल्पनिक रेखा का नाम है जो सिलेंडर के मूल को क्या कहते हैं, सिलेंडर का जो मूल होता है ये पिच लाइन कहलाता है। अब पिच आइए नेक्स्ट, पिच क्या कहलाता है। पिच यानी धुरी के समानांतर मापे हुए एक थ्रेड के किसी पॉइंट से, एक थ्रेड के किसी पॉइंट से उसी के अनुकूल, यानी इसी के अनुकूल दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, लीड। लीड क्या होता है तो लीड के बारे में हम लोग, स्क्रू थ्रेड के एक चक्कर में अपनी धुरी पर जितनी दूरी आगे बढ़ता है, यानी लीड के स्क्रू थ्रेड के एक चक्कर में अपनी धुरी पर, ये अपनी धुरी पर जितनी दूरी तय करता है एक चक्कर में, वो दूरी जो है क्या कहलाती है, लीड कहलाती है, यानी उसको लीड कहते हैं। लीड कहने का मतलब है कि एक चक्कर में वो जितनी दूरी तय करती है, यानी एक चक्कर में वो जितनी दूरी आगे बढ़ता है उसे हम लीड कहते हैं। नेक्स्ट आइए स्क्रू की धुरी। स्क्रू की धुरी जो होती है वह बंधु, ये जो स्क्रू देख रहे हैं
ये सेंटर लाइन भी कह सकते हैं इसको, स्क्रू की धुरी, एक्सिस ऑफ ए स्क्रू, इसको कह सकते हैं कि स्क्रू की लंबाई की सेंटर लाइन को ही क्या कहते हैं, स्क्रू की वो दूरी कहलाती है। यानी स्क्रू के सेंटर लाइन की दूरी को ही हम सेंटर लाइन को स्क्रू की दूरी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, अब क्रेस्ट, आठवां नंबर है आपका क्रेस्ट। जैसा कि देख रहे हैं थ्रेड की ऊपरी सतह जो होता है, ये भाग थ्रेड की ऊपरी सतह को जहां दो साइड जुड़ते हैं, दो साइड, इधर से भी ये साइड आया और इधर से ये साइड आया, और तो वो उसको क्या कहते हैं, हम क्रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। रूट, नेक्स्ट आइए रूट। रूट क्या है, निचली सतह जहां पर, जहां थ्रेड के दो निकटवर्ती साइड जुड़ते हैं, निचली सतह के दो निकटवर्ती साइड जो जुड़ते हैं वो क्या कहलाता है, रूट कहलाती है। यहाँ जो है दो निकटवर्ती साइड जो है जुड़ता है वो रूट कहलाती है। नेक्स्ट आइए साइड। साइड जो होता है थ्रेड की, उस सतह को साइड कहते हैं जो रूट और क्रेस्ट को मिलाती है, जो रूट को, रूट और क्रेस्ट को, रूट और क्रेस्ट को जो मिलाती है, मिलाने वाला भाग, वो क्या कहलाता है, साइड कहलाता है। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट आपका थ्रेड का कोण। थ्रेड का कोण क्या होता है इसके बारे में आइए पढ़ते हैं कि थ्रेड का कोण, जहाँ यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि थ्रेड का कोण, ये भाग जो है, ये तो थ्रेड बना हुआ है और इसी के पैरेलल में जो ये समांतर रेखा है, दोनों साइड जो निकला है, इसी के बीच का ये जो एंगल होता है, ये थ्रेड का कोण कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं यह थ्रेड के दो साइड के बीच का सन्निहित कोण होता है, यह थ्रेड के दो साइड के बीच का सन्निहित कोण होता है, जिसका माप दूरी की सतह पर ली जाती है, दूरी की सतह पर ली जाती है। अब नेक्स्ट आइए हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल क्या होता है, हेलिक्स एंगल थ्रेड के झुकाव के कोण या पिच डायमीटर पर थ्रेड के हेलिक्स के द्वारा बने कोण को हेलिक्स एंगल कहते हैं। नहीं, हेलिक्स एंगल थ्रेड के झुकाव के कोण या पिच डायमीटर पर थ्रेड के हेलिक्स के द्वारा बने कोण को हेलिक्स एंगल कहते हैं। नेक्स्ट आइए थ्रेड की संख्या, नंबर ऑफ थ्रेड। नंबर ऑफ थ्रेड में इसका अर्थ होता है कि एक इंच की लंबाई में थ्रेड की कुल संख्या कितनी है, एक इंच की लंबाई में थ्रेड की कुल संख्या कितनी होती है, वही नंबर ऑफ थ्रेड कहलाती है। अब थ्रेड की गहराई, थ्रेड की गहराई जैसा कि आपका ये लिखा हुआ है कि थ्रेड की धुरी पर लंब रूप में मापी हुई थ्रेड के क्रेस्ट और बेस की दूरी थ्रेड की गहराई कहलाती है। यानी थ्रेड की धुरी पर लंब रूप में जो होता है मापी हुई थ्रेड के क्रेस्ट और बेस की दूरी थ्रेड की गहराई कहलाती है। नेक्स्ट आइए थ्रेड का बेस, दो निकटवर्ती रूट के बीच के बड़े भाग को थ्रेड का बेस कहते हैं। अब थ्रेड की मोटाई यानी थिकनेस ऑफ थ्रेड या पिच लाइन पर या उसके समानांतर थ्रेड के दो निकटवर्ती साइडों की दूरी होती है। तो ये आप इसे समझ गए होंगे कि स्क्रू थ्रेड संबंधी का ये जो परिभाषित शब्द है, छोटा छोटा शब्द, इसके बारे में आज आप लोग जान गए होंगे अच्छी तरह। अब इसमें कोई आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि पिच किसे कहते हैं, लीड किसे कहते हैं, मेजर डायमीटर क्या होता है, माइनर डायमीटर क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, रूट क्या होता है, थ्रेड एंगल क्या होता है, डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होता है, पिच क्या होता है, साइड क्या होता है, सेंटर लाइन क्या होता है यानी स्क्रू की धुरी क्या होती है, एक्सिस ऑफ पिच क्या होता है, एक्सिस ऑफ ए स्क्रू क्या होता है यानी स्क्रू की धुरी, पिच डायमीटर क्या होता है, इस संबंध में आज आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इतना कह करके आज का ये क्लास मैं समाप्त करता हूँ।
कल फिर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।